तो दूसरे मंदिर में ये भंडारा हो रहा है, हम लोग थोड़ा थोड़ा भंडारे का प्रसाद खाया है हम लोग। देखो तो ये देखिए डॉगी का बच्चा पकड़ लिया है इसने अंशु ने, और ये काफी क्यूट क्यूट से थे यहाँ पे, काफी अच्छे लग रहे थे। बाय बाय, बस आ जाओ, बाय चलो चलो, गए पापा गए तुम्हारे, वैसे इसके घर पे छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ बेटा, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे अंशु, बस चलो चलो जाने दो उसको, अपनी मम्मा को, उसको अपनी मम्मी की याद आ रही। बाय बाय। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने बालों में गजरा लगवाने, तो ये लगा रही हैं, ये भी गजरा मेरे को लगाना नहीं आता तो यही लगाएंगी, और ये इन्होंने ना इतने अच्छे से लगाया था ना गजरा, बहुत ही ज्यादा, ये देखो क्या बात है, अलग ही लुक आ गया गजरा लगवाने के बाद अब बालों में। आयो रामा, आयो स्वामी, आयो मोत्तु रामा स्वामी। क्या बात है, बड़ा वाले कमाल, कोकोनट मिलता है, कुकी तेरा नारियल पानी आ चुका है, ऐसा बड़ा वाला लेकिन उसमें कोकोनट मिलता है। कैसा लग रहा है? गाइस पी लीजिए, मैंने पी लिया। यस बेबो, पानी में कितना सारा, देखो कुकी कैसा लग रहा है, कुकी बहुत अच्छा है पापा। देखिए जी नारियल का पानी पी चुके हैं और मलाई खा रहे हैं आराम से निकलवा के। तो गाइस ये देखिए गांधी जी का बोलने वाला स्टैचू, पहली बार देखा मैंने ऐसे खड़े हुए हैं, बिल्कुल सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक का है इनका काम, खड़े होने का नॉन स्टॉप ऐसे ही। और ये हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं, ये 6000 साल पुराना मंदिर है, कपिलेश्वर महादेव के मंदिर में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और ये मंदिर 6000 साल पुराना है, और काफी यूनिक यूनिक सी चीजें हैं, ये पहाड़ है इधर तो काफी अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए गाइस कितनी ऊंची पहाड़ी है इधर, किसका मंदिर था मैं नाम भूल गई, कपिलेश्वर, कपिलेश्वर भगवान कपिलेश्वर का मंदिर है ये वाला। तो यहाँ पर एक गार्डन बना रखा है, काफी अच्छा है फोटोग्राफी सेल्फी वेल्फी लेने के लिए, काफी अच्छी जगह है ये, और हम लोग जब वापसी में आए थे ना हम इस गार्डन के अंदर सेल्फी नहीं ले पाए थे, ये बंद हो चुका था, हम लोग आगे निकल गए थे, हमारे चार नवाब भी बोल रहे थे कि एक फोटो मेरा भी खींचो। पीछे ही झरना है, और ये देखिए बाय गॉड कितना अच्छा लग रहा है इधर, जस्ट देखिए झरने का लुत्फ उठाते हुए देख रहे हैं, फोटो भी खींचेंगे, वाव कितना प्यारा लग रहा है ये वाला व्यू। तो
गाइस यहाँ पे ना ये काफी सारे शिवलिंग हैं भगवान शिव को समर्पित, और ये इनके अलग ही अलग रूप, अनेक रूप देखने को मिले हैं अलग अलग तरीके के। और यहाँ पे ये मटके से जल चढ़ाया जाता है इनके ऊपर। और ये देखिए हम घूम रहे हैं, वहाँ से बाहर आ चुके हैं। और देखो चावल पे भी लिखते हैं इधर ये लोग, इनका अलग ही टैलेंट है, चावल पे नाम लिखते हैं ये, जो भी आपको लिखवाना है। और ये कीरिंग मिल रहे थे काफी यूनिक यूनिक तरीके के। तो ये जंगल सफारी है, ये 5 बजे तक खुली रहती है शाम के टाइम। हम लोग यहाँ पर आने के लिए लेट हो चुके थे तो ये बंद हो चुकी थी, तो हम लोग ये नहीं देख पाए। और तो काफी भयानक सा लग रहा है ये देखने में। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं इधर भी, हर चीज काफी अच्छी है यहाँ की। और हाँ, अब हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं वापसी के लिए। अरे टेक ऑफ के क्यों आ रहे थे तुम? गिर जाती होले होले आता तो कर ले जयराम जी की। हम अपने अब फोर्थ टेंपल में आ चुके हैं। तो ये इस्कॉन टेंपल में हम लोग आ चुके हैं। और ये मंदिर देखो कितना अच्छा है देखने में, बाहर से जितना अच्छा है उतना ही अंदर से अच्छा है। जहाँ तक फोन अलाउड होगा वहाँ तक मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, और जहाँ फोन मेरे को बंद करना पड़ गया वहाँ मैं कुछ नहीं दिखा सकती आप लोगों को। गोविंदा गोविंदा, काफी अच्छा मंदिर था देखने में। गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। ये कैसी चम्मच है ना, अगरबत्ती स्टैंड जो 50 रुपए का लिटिल कृष्णा। तो ये मंदिर के अंदर ना छोटी सी मार्केट थी, बड़ी क्यूट सी प्यारी सी। और यहाँ का सामान ना काफी महंगा था, बहुत महंगा सामान मिलता है, हमारे इधर तो इतना महंगा भी नहीं मिलता है, इधर काफी महंगा ही है, काफी महंगे महंगे सामान थे इधर। और ये काफी अलग अलग तरीके के भगवान थे और बुक्स थी काफी काफी पुरानी पुरानी इधर, और इनकी भाषा में भी लिखी हुई थी, हिंदी में भी थी, इंग्लिश में भी थी, हर भाषा में बुक थी यहाँ पर। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको मंदिर। तो हमारा ये 5th टेंपल है, इसके अंदर कुछ भी शूट करने की एंट्री नहीं थी और यहाँ हमने कुछ भी शूट नहीं किया है। अबे हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। और ये देखिए वापसी में यहाँ की गांधी मार्केट दिखा रही हूँ मैं आपको, गांधी मार्केट है ना वो, तो गांधी मार्केट दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ ना इतनी भीड़ होती है ना बहुत ज्यादा। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ से एक चकली का पैकेट, क्योंकि मुझे चकली काफी पसंद है। तो मैंने देख रही हूँ 2 तरह की चकली थी यहाँ पर, तो मेरे को जो पसंद आई वो मैंने ले ली है। तो घूमकर हम लोग आ चुके थे, तो हम लोग जा रहे हैं अब डिनर करने। कहाँ जा रहे हो? रोटी खाने। चलते हैं, आ जाओ, ताला लगा दो रूम का, बहुत थकान होगी गाइस। 6-7 मंदिर घूमे थे ना आज, बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब खाना खा के बस आके सोएंगे। कुकी जी भी आ रही है पीछे पीछे, आए कुका थक गई? थक गया, मुझे तो नींद आ रही है, आके ना जस्ट सो जाऊंगी। लिफ्ट से जा रहे हो तुम लोग? तो ये हमारे होटल में लगी हुई थी ये तस्वीर, काफी अच्छी लग रही थी देखने में। और ये हम निकल चुके हैं खाना खाने के लिए, खाना ढूंढना पड़ता है यहाँ कौन सी जगह अच्छा खाना है, क्योंकि आसपास काफी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह आए यहाँ पर।
तो गाइस हम खाना खाने बैठ चुके हैं, वही होगा इडली डोसा। रोज रोज दिखाना अच्छा नहीं लगता, तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड।